हाँ गाइज, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। स्कूल कॉलेज बंद, घर पर पढ़ाई नहीं हो पाती। गाइज ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप बोल रहे हैं। गाइज आपके बार बार कमेंट आते हैं कि भाई स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, घर पे रहकर पढ़ाई नहीं हो पाती, कुछ मोटिवेशन दीजिए। तो गाइज आज की वीडियो में इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, जब यार आप लोग स्कूल जाते थे और अब आप लोग स्कूल नहीं जा रहे, उसमें क्या फर्क है? उसमें फर्क है एक रूटीन का, उसमें फर्क है डिसिप्लिन का। स्कूल में आप जाते थे, वहां पर आपका एक रूटीन बना हुआ था कि इस टाइम स्कूल जाना है, उसके बाद स्कूल से होमवर्क मिलेगा, उसको हमें करना है, डिसिप्लिन के अंदर रहना है, रूटीन के अंदर रहना है। लेकिन अब आपका घर है, आपके घर में आप शेर हैं, कुछ भी करें कुछ ना करें, कोई टीचर नहीं है बोलने वाला, कोई नहीं है, ठीक है। इसीलिए गाइज आपका यहाँ पर मन नहीं कर रहा है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है वो कहीं और हो सकता है। तो बात करते हैं दोनों मुद्दों के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसिप्लिन और रूटीन वाले मुद्दे के ऊपर। तो देखो यार, आपको क्या करना है, अपने घर पे रहकर ही एक टाइम टेबल बनाना है। देखो टाइम टेबल कैसे बनाना है कि घर पे रहो, देखो कि मैं किस टाइम फ्री रहता हूँ, किस टाइम पढ़ सकता हूँ, किस टाइम घर के काम आते हैं, उन सबको मैनेज करके अपना टाइम टेबल अपने हाथ से बनाइए। कई बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई एक टाइम टेबल बता दो। गाइज आपको मैं टाइम टेबल कैसे बता दूँ या फिर आपको कोई और टाइम टेबल कैसे बता दे, उसको क्या पता कि भाई आप इस टाइम क्या करते हो, इस टाइम आपके घर में क्या होता है, इस टाइम आपको क्या काम मिलता है। तो गाइज टाइम टेबल आपको खुद बनाना है। इसके बाद गाइज बात करें इंटरेस्ट की या फिर मोटिवेशन की। तो देखो यार, मोटिवेशन सबसे बड़ा आपके घर में आपके साथ है, वो है आपके पेरेंट्स। हाँ गाइज, सबसे बड़े मोटिवेटर वही हैं। अगर आप उनसे मोटिवेट नहीं हो सकते तो फिर आप किसी से मोटिवेट नहीं हो सकते। जो आप वीडियोस देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपको 2-3 मिनट का मोटिवेशन मिलता है कि यस यू कैन डू इट, आप फाड़ दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ शांत। लेकिन अगर आपने एक बार अपने पेरेंट्स की शक्ल को याद कर लिया, अपने पेरेंट्स के सपनों को याद कर लिया, अपने पेरेंट्स की वो जो इमेज बनी हुई है कि यहाँ पर वो दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, वो इमेज अगर आपने अपने दिल में बिठा ली तो फिर आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, कि उनके पेरेंट्स उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी कुछ करेंगे, पढ़ लिख कर कुछ करेंगे। वो कभी ये बोलते हैं कि भाई मुझे भी मोटिवेशन दो, आपके लिए खाना बनाना है? वो कभी बोलते हैं कि मुझे भी मोटिवेशन दो, आपको यहाँ पर फीस भरनी है, आपका ये करना है? नहीं बोलते। लेकिन आप बोलते हो, आपको हर चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि गाइज आप यहाँ पर अभी तक उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए हो। आप बस अपनी लाइफ को एंजॉय किए जा रहे हो, मजे उड़ाए जा रहे हो। लड़के हैं वो लौंडियाबाजी में लगे हुए हैं, लड़कियां हैं वो यहाँ पर नेल पेंट नेल पॉलिश इसमें लगी हुई हैं। तो गाइज इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको एक शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस मिल सकती है। लेकिन अपने पेरेंट्स के उन ड्रीम्स को याद करो जो कि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, मेरा यहाँ पर बेटा ये बनेगा, बेटी ये बनेगी। उस ड्रीम को जब आप सोच लोगे, उसको अपने हार्ट से कनेक्ट कर लोगे, उस दिन आपको जो हैप्पीनेस मिलेगी, जो मोटिवेशन मिलेगा, उस मोटिवेशन का सामना कोई मोटिवेशन नहीं कर सकता। तो यार घर पे रहो, कहीं भी रहो, अंदर बस एक ड्रीम होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए कि भाई मुझे पढ़ना और है, पढ़ लिख के अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। तो वो जो फीलिंग है, उस फीलिंग को आपको आज ही इमेजिन करना पड़ेगा, तभी जाकर आपके अंदर से सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो जगेगा। और गाइज एक चीज और सोचिए, आप जो बोल रहे हैं कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती, तो आपको रोकता कौन है पढ़ाई करने से? क्या आपके पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मत पढ़? किसी के पेरेंट्स ने आज तक ये लाइन बोली है कि बच्चे मत पढ़, जो भी आपका नाम है XYZ मत पढ़, कभी बोली है? नहीं बोली आज तक किसी भी पेरेंट ने, नहीं बोली। वो तो खुद चाहते हैं कि आप लोग पढ़ो। भाई आपके अंदर ही है ये जो कमी है, ये कि आप लोग नहीं पढ़ना चाहते। पेरेंट्स का नाम मत लीजिए, ये मत कहिए कि घर में काम हो जाते हैं। आप में अगर लगन होगी, आप में अगर डेडिकेशन होगा, तो आप घर के कामों के साथ एडजस्ट करते हुए भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, मुझे अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं। सो गाइज लास्ट में बस यही बोलूंगा कि आज की आज अपनी बुक्स को उठा लीजिए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए और पढ़िए। भाई आपको कोई नहीं रोकने वाला। अपने पेरेंट्स की तरफ देखिए, उनके ड्रीम्स की तरफ देखिए और पढ़िए। और लास्ट में आपको कुछ मोटिवेशनल लाइंस बताता हूँ जो कि आपने सुन भी रखी होंगी। महात्मा जी टेक्निकल चैनल आप जानते होंगे, अमरेश सर, उन्होंने कहा था कि जब आप नहीं पढ़ रहे तब कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, और जिस दिन वो आपसे मिलेगा वो जीत जाएगा। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको जीतना है या नहीं जीतना है। अगर जीतना है तो भाई पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।